नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। झारखंड में प्लस टू शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, लेकिन इसमें अब कई अखबारों ने आज प्रमुखता से इस खबर को पब्लिश किया है कि इसमें बाहरी लोगों का अधिक से अधिक संख्या में बहाली हुआ है। हाल में ही जो नियुक्ति की गई थी, जिसमें ये उम्मीद की जा रही है कि लगभग 75 से 80% लोग बाहरी हैं और दूसरे राज्य के हैं। अलग अलग राज्यों में ये व्यवस्था है कि उसी राज्य के अधिकांश लोगों को नौकरी दी जाती है। झारखंड में भी ऐसे ही व्यवस्था तो की गई थी, लेकिन जब नियुक्ति हो जाती है तो इसमें बाहरी लोगों को नियुक्ति कर दी जाती है। 11 विषय के लिए प्लस टू शिक्षकों का आवेदन लिया गया था, जिसमें 617 सीट पर जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए था, उसमें जो सफल विद्यार्थी है, इसमें 470 प्लस मैंने 470 से अधिक विद्यार्थी जो है वो अलग अलग राज्य के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, बंगाल के, छत्तीसगढ़ के, यानी कि झारखंड के कैंडिडेट कम है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर 617 में से 470 लोग दूसरे राज्य के हैं, तो यहाँ के लोगों के अंदर क्या वो टैलेंट नहीं है, क्या वो गुणवत्ता वाली पढ़ाई यहाँ नहीं होती है, ये एक बड़ा मामला होगा। सबसे ज्यादा लोग जो है ये उत्तर प्रदेश से झारखंड में आए हैं। इस वक्त जो प्लस टू शिक्षक का नियुक्ति हुआ है, उसमें लगभग 210 ऐसे टीचर हैं जो यूपी के रहने वाले हैं और झारखंड में वो सेलेक्ट किए गए हैं। ये सारे लोगों को अभी नियुक्ति पत्र मिला है। बंगाल से लगभग 95 छात्र छात्राओं को ये मौका मिला है जो बंगाल के रहने वाले हैं। और इसी प्रकार से अगर संस्कृत विषय को देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे बाहर के हैं, मतलब झारखंड में कोई भी नहीं है। अगर बिहार का देखा जाए तो बिहार के हर सब्जेक्ट में अच्छी खासी सिलेक्शन हुई है। केमिस्ट्री में 37 जो कोटा था, उसमें 36 है वो बाहरी राज्य के आए हैं। संस्कृत में 57 में 51 बाहरी है। ऐसे ही बायोलॉजी में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में तो है ही, मैथ में है। सारे विषय की स्थिति है, उड़ीसा के लोग, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, यूपी से। इसका दो तीन कारण नजर आता है। एक तो ये कि क्या यहाँ की पढ़ाई की पद्धति इस प्रकार से हो गई है कि यहाँ के बच्चे सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा कि यहाँ से बच्चे पलायन कर जा रहे हैं, टेंथ और के बाद ही, दसवीं के बाद अधिकांश बच्चे यहाँ से पलायन कर जाते हैं, दूसरे राज्यों में वो अपना हायर एजुकेशन लेते हैं, ग्रेजुएशन तक, और उसके बाद फिर वो नौकरी करने के लिए यहाँ आते हैं। क्या हमारी बुनियादी ढांचे को उतना सुंदर और बेहतर नहीं बनाना चाहिए जिससे कि यहाँ के बच्चे यहीं रुक जाएं? साथ ही साथ क्या यहाँ का शिक्षा व्यवस्था इतनी बेहतर नहीं करनी चाहिए कि जिससे एजुकेशन के बाद बच्चों को नौकरी मिल जाए? आप अभी देख ही रहे हैं कि पारा शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है और इनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ है, लेकिन जो टीचर हमारे हैं, स्किल्ड हैं, उनको उतना बेटर तैयार नहीं करते हुए दूसरे राज्यों से बोरो प्लेयर को बुलाना क्या आने वाले समय में सरकार की नीतियों के संबंध में सही होगा या गलत होगा, ये तो वक्त से पता चलेगा। लेकिन आपको अगर सब्जेक्ट वाइज एक डेटा हम बता दें तो बड़ा आश्चर्य होगा आपको। जीव विज्ञान में यानी कि बायोलॉजी में 62 लोगों की सीट थी अनरिजर्व, जिसमें से 58 स्टूडेंट दूसरे राज्य से आए हैं। मैंने झारखंड में सिर्फ 4 ही कैंडिडेट झारखंड से है। केमिस्ट्री में 37 सीट था अनरिजर्व, जिसमें से 36 बाहरी है, मतलब दूसरे राज्य से आए हैं। झारखंड से सिर्फ 1 है। आप समझ जाइए कि हमारी व्यवस्था कैसे। संस्कृत में 57 था, 51 दूसरे राज्य के हैं। ज्योग्राफी से 62 था, 29 दूसरे राज्य से हैं। फिजिक्स में 50 से 37 दूसरे राज्य के हैं। मैथ में 43 में 37 दूसरे राज्य के। एक भी विषय में ऐसा नहीं है कि झारखंड में यहाँ के अनरिजर्व लोगों को पूरा मौका मिला हो।
ये बहुत कुछ को बताता है कि क्या नियुक्ति के समय में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है, क्या यहाँ के बच्चों को वो टैलेंट नहीं मिल पाता है। परीक्षा के पहले झारखंड में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उन्हें आखिर किस कारण से छांटा गया, ये चीज भी एक विवाद का विषय बन चुका है। कॉमर्स में 65 में से 59 यानी कि 60 लोग बाहरी हैं। आप अंदाजा कर लीजिए कि कॉमर्स विषय की पढ़ाई कितने कॉलेज में यहाँ पर होती है। टोटल 65 सीट था अनरिजर्व, जिसमें से 60 बाहरी लोगों को मौका मिला है। झारखंड के सिर्फ 5 कैंडिडेट या 6 कैंडिडेट होंगे। इकोनॉमिक्स में 66 में से 45 लोग जो है वो बाहर के, 46 बाहर के। दो तीन कैंडिडेट से हमने बात किया इस विषय में, तो उनका बोलना था कि 90-92% लाने के बाद भी वो चढ़ गए, और सिलेक्शन जो है 98-99% पर होता है। तो कैसे संभव है कि इतना ज्यादा मार्क्स कैंडिडेट का आ जाता होगा तैयारी करने के बाद में, कि वो 100 क्वेश्चन में 100 सही कर दे, 200 में 200 सही कर दे। तो थोड़ा सा पता लग जाता है ये चीज, और इतने ब्रिलियंट होने के बाद वो आईएएस में क्यों नहीं गए, क्यों टीचर के पीछे ही लगे हुए हैं, तो सारी चीजें आती हैं। अंग्रेजी में 74 में 40 अलग राज्य के हैं, हिंदी में 60 में, हिंदी विषय भी झारखंड में देखिए ठीक नहीं, उसमें भी 60 में से 32 बाहर के हैं। इतिहास में 68 सीट में से 46 बाहर के हैं। तो देखिये सारी नौकरी जो है ये 1235 शिक्षकों की बहाली हुई 11 विषय में, और उसकी स्थिति आप देख लीजिए कि कितनी खराब है। एक और सरकार लाठी चार्ज करवा रही है 12 शिक्षकों के ऊपर। क्या ये नहीं किया जा सकता है कि जो हमारे राज्य के 67,000 पारा शिक्षक हैं, और जो दूसरे टेट पास अभ्यर्थी बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं, इन्हें ही स्किल ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाया जाए, दूसरे राज्य से लोगों को लाने के बजाय इसी राज्य के संसाधन को, रिसोर्सेज को। हमने कई कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री जी को बोलते हुए सुना कि ह्यूमन रिसोर्सेज है, हेलमेट चेकिंग इसलिए होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को बचाना। देखिए इतने बड़े बड़े कदम सरकार उठा रही है, लेकिन यहाँ के स्टूडेंट का सिलेक्शन कैसे हो इस पर विचार नहीं करना है सरकार भी। अब लोगों के साथ ईगो की लड़ाई होती है, जो रांची में हमने देखा स्थाई दिवस, जो हमारा स्थापना दिवस था 15 नवंबर को, इसमें गवर्नमेंट की भी एक ईगो प्रॉब्लम सामने है कि नहीं हम अब पीछे नहीं हटेंगे, अभी तो मोहलत मिला है टीचर को कि 20 नवंबर तक आप नौकरी पर आइए, लेकिन 6,000-7,000 रुपया में आप टीचर से पढ़वा रहे हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन की जो डिमांड की जाती है वो तो मुश्किल होगा। तो ये गौर करने वाली चीजें होगी कि आने वाले समय में ऐसे भी दूसरे राज्य में देखिए 10% का कोटा होता है। जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें कि आप दूसरे राज्य का जो फॉर्म भरेंगे हर परीक्षा में, तो वहां पर पहले तो एक क्राइटेरिया कर दिया जाता है कि 10th या प्लस 2 में से कोई एक चीज झारखंड से पढ़ा हुआ होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया है। दूसरा होता है कि 10% से ज्यादा लोग नहीं अप्लाई कर सकते, मतलब जैसे 100 सीट है तो 10% सीट बाहरी के लिए होता है, तो अगर कुल सीट 1235 था तो सब मिला के 120 सीट बाहरी होना चाहिए था, लेकिन अभी अगर आप काउंट करिएगा तो अच्छी खासी संख्या है, लगभग 60-70% लोग बाहरी आ गए। तो ये एक बड़ा विवादित विषय होगा, और सारे अनरिजर्व्ड कोटा में आए हैं, तो इनको रोकने के लिए सरकार क्या नीति बनाएगी आने वाले समय में। और यही कारण है कि इस समाचार को कई राष्ट्रीय अखबारों ने प्रमुखता के साथ दिखाया है। हमारे साथ आप ऐसे ही बने रहिएगा, जो काम की खबर होगी और आपके लिए जरूरी होगी, जितना जरूरी होगी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आप चाहे तो अपने कमेंट को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आने वाले एपिसोड में हम उसको जरूर दिखाएंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।